अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो भाइयों, विराट कोहली ने मार दी है सेंचुरी और व्यूज की होने वाली है बारिश। जितने भी क्रिकेट पेजेस हैं इनकी आज चांदनी हो जानी है, क्योंकि ये करेंगे झूठी झूठी तारीफ विराट कोहली की और लेंगे बहुत सारे व्यूज और बहुत सारे इंडियन फॉलोअर। अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो आपको बताता चलूं कि आई एम ऑल्सो अ विराट कोहली फैन। नहीं, मैं व्यूज के लिए नहीं बोला, मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो, लेकिन हमें साथ साथ पाकिस्तानी प्लेयर्स भी बहुत सारे पसंद हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बायस्ड हो जाते हैं कि पाकिस्तानी हो के हम विराट कोहली की क्यों तारीफ कर रहे हैं, जबकि हमारे मजहब में सिखाया है कि हर किसी को प्यार करो, कोई मजहब कोई फिरका देखने की जरूरत नहीं है। विराट कोहली की बात करें तो 73rd 100 की है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बात करें उसके क्लास की, बात करें उसके टेम्परामेंट की, बात करें उसके एटीट्यूड की, तो अलग ही लेवल का प्लेयर है। मतलब हम पाकिस्तानी तरसते हैं ऐसा प्लेयर पाने के लिए, बाबर आजम हमें मिला हुआ है, उसके बावजूद हम पाकिस्तानियों को फील ऐसा होता है कि नहीं यार, बाबर आजम तो है ही है, काश एक और विराट कोहली जैसा प्लेयर होता। तो ये चीज तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि विराट कोहली के सिर्फ पाकिस्तान में ही ऑलमोस्ट 15 या 16 करोड़ तो फैन होंगे ही होंगे, ये तो मैं लिख के दे सकता हूं। लेकिन पसंद क्यों है पाकिस्तानी को, मैं आपको बताता हूं। विराट कोहली की पसंद होने में से सबसे बड़ी वजह ना ये है कि वो हमारे खिलाफ ना रन करता है। आप बोलोगे अदील भाई यार हमारे खिलाफ रन करता, हमारे तो हटेगी अगर कोई हमारी टीम के खिलाफ रन करेगा। नहीं, जो अच्छा और क्रिकेट का फैन होता है ना, जो क्रिकेट का लवर होता है, वो देखता है कि प्लेयर किस बॉलिंग अटैक के खिलाफ रन कर रहा है। विराट कोहली छोटी टीमों के खिलाफ स्ट्रगल करता है, लेकिन बात आए पाकिस्तान के खिलाफ क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ परफॉर्म करने की तो भाई कर देता है। जैसे कि रिसेंटली आप देखोगे तो एशिया कप में आप देख सकते हो कि आउट नहीं हुआ, 250 थी। एक आई थिंक पहले मैच में शायद शाहीन ने उसको आउट कर दिया था, लेकिन फिर हारिस रोप ने इतनी यॉर्कर मारी उसके बावजूद आउट नहीं हुआ, 50 करके गया। वर्ल्ड कप का भी मैच देख सकते हो जिसमें इसने आई थिंक 83 रन करेंगे, पूरा सिंगल हैंडली मैच लेके चले गया था पाकिस्तान से। तो ये वजह है कि पाकिस्तानी उसको बहुत प्रेस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और आई नो कि उसको ये चीज पता होगी, विराट कोहली खुद हमारे प्लेयर्स को, हमारी बॉलिंग अटैक को प्रेस करता है, और यही चीज उसको बाकी प्लेयर्स से मुख्तलिफ बना दिए कि वो दिल का साफ बनता है। वो दिल का साफ है, वो जैसा है वैसा दिखता है। शुरू शुरू में विराट कोहली बहुत बदतमीज टाइप का लगता था और हम पाकिस्तानी उसको काफी नफरत करते थे, क्योंकि वो बहुत चिल्लाता था एक आउट होने पे, ये है वो माँ बहन की गालियां, दिस इज नॉट ए क्रिकेट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हुआ, उसने आसपास के लोगों को देखा और उनसे सीखा, लेजेंड के साथ खेला, तो अब उसमें वो चीज झलक नजर आती है कि क्वालिटी प्लेयर होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने विराट कोहली की कोई इतनी लंबी चौड़ी तारीफ ही नहीं करी कि जो हम स्क्रिप्ट करें कि नहीं यार अब मुझे ये बोलना चाहिए, मेरे इंडियन फॉलोअरों को ये अच्छा लगेगा या मेरी वीडियो यहां से वायरल होगी। हमारे जो दिल में होता है हम स्पॉन्टेनियस वो बोलते हैं, इस वजह से शायद अल्लाह पाक का करम है कि हमारे व्यूज भी अच्छे आते हैं, आप लोग पसंद भी करते हैं। तो मेरे तमाम पाकिस्तानी, तमाम इंडियंस और तमाम क्रिकेट लवर को बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो मुझे कल वीडियो बाबर के लिए भी बनानी थी, लेकिन 66 पे आउट हो गया यार, सिर्फ 34 रन थे, सुकून से खेल लेता तो एक और सेंचुरी बाबर के नाम हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं। उसका जो गम था विराट कोहली के सेंचुरी ने पूरा कर दिया। दो ही प्लेयर हैं भाई इस दुनिया में जो रूल करने वाले, एक कर चुका है और कर भी रहा है, और एक अभी फिलहाल कर रहा है जो कि इंशाल्लाह करेगा भी। तो आई मीन आप समझ गए होंगे विराट कोहली और बाबर आजम की मैं बात कर रहा हूं। तो उम्मीद है कि दोनों प्लेयर, अल्लाह पाक इनको ज्यादा से ज्यादा तरक्की दे और हर मुश्किल इनकी आसान करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।